तो नमस्कार फ्रेंड्स, मुझे एसके आपको स्वागत करुँच डिजिटल आईक्यू ओडिशा को। तो आज आपड़ो जानवाक पाइबे आपण मैंने घर बस निज मोबाइल किंवा कंप्यूटर साहय आधार कार्ड सागर भोटर आईडी कार्ड टी लिंक करेंगे। तो आपत जानते इलेक्शन कमिशन तरफ गोटे बड़ अपडेट जहाँकि आधार सागर लिंक हे भोटर। तो यही प्रक्रिया अगस्ट 1 तारीख पाखर ऑनलाइन आरंभ हो सारी। तो आपण मैंने किपर भाव लिंक करेंगे तो चलो तो देखा। तो यही नुआ नुआ वीडियो पे आम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल ऊपर सेट कर दिंतु यही लाटेस्ट अपडेट आगे पाइबापी। तो फास्ट आप कौन से गोटे ब्राउजर को पलि आसतु, ब्राउजर में आसिक लिखत NBSP। तो तापर देख पाते फास्ट लिंक टे आसी, तो सीम्पली तारि क्लिक करूँ। तो क्लिक कर सारापर ये देख पाते लिखाई भोटर पोर्टाल, तो सीम्पली तारि क्लिक करूँ। तो तापर ये आप जो न्यूजर अच्छा क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करूँ। तो ये आप मोबाइल नंबर ईमेल आई डी लिंक रजिस्ट्रेशन करनी। तो आम जो नुआ भोटर आई डी कार्ड अप्लाई करते तो ये गोटे आई डी क्रिएट करते, तो आम लॉगिन करवा। तो ये आप आई डी क्रिएट कला बेटे जे मोबाइल नंबर देते तो से मोबाइल नंबर टाइप कर दिंतु। तो टाइप कर सारापर तो आप जो पासवर्ड देते सेतबाला तो से पासवर्ड टी सिंपली टाइप कर दिंतु। तो तापर रिमेम्बर पासवर्ड उपर क्लिक करके कैप्चर टी टाइप कर दिंतु। तो कैप्चर टी टाइप कर सारापर लॉगिन उपर क्लिक करूँ। तो जेपर आप लॉगिन उपर क्लिक कर आपको ये इंटरफेस पलि आस देख पाते साइड्रे गोटे नुआ आपन को ऑप्शन शो कर आधार लिंकेज, तो सिंपली तारि क्लिक करूँ। तो क्लिक कर सारापर आपन को देख ना देख आपको वेलकम कर। तो आप देख पाते लिखाई लेट स्टार्ट, तो सिंपली तारि क्लिक करूँ। तो क्लिक कर सारापर आपको ये इंटरफेस पलि आस। तो ये आपको पचार भोटर आई डी कार्ड जदि ना तो ये क्लिक करेंगे। तो जदि आप भोटर आई डी कार्ड टी अच्छी तो ये आप क्लिक करूँ। तो तापर ये निज भोटर आई डी कार्ड नंबर टी टाइप कर दिंतु। तो आम निजर भोटर आई डी कार्ड नंबर टी टाइप करदे। तो तापर आप फेच डिटेल्स क्लिक करूँ। तो तापर आपको ये इंटरफेस पलि आस। तो तले आप देख पाते प्रोसीड लिखाई, तो सिंपली तारि क्लिक करूँ। तो तापर आप सब डिटेल्स ये शो कर ना, आपण जेंडर, आपण स्टेट, आपण बापा ना, आपण एड्रेस सब शो कर। तो शो कर सारापर ये आप देख पाते लिखाई तले सेव एंड कंटिन्यू, तो सिंपली तारि क्लिक करूँ। तो क्लिक कर सारापर ये आप मोबाइल नंबर देवाक पड़ो। तो आप जे मोबाइल अवेलेबल अच्छे तो से मोबाइल दे पारे। तो तापर सेंड ओटीपी पर क्लिक करूँ। तो आप से मोबाइल को गोटे ओटीपी जा, तो सिंपली से ओटीपी टू सिंपली टाइप कर दिंतु। तो टाइप कर सारापर आप भेरीफाई पर क्लिक करूँ। तो तापर आप पचार आधार नंबर टी अच्छे क्लिक करेंगे। तो जब आप आधार नंबर टी आप ना तो आप तले क्लिक करें। तो आम पाखे आधार नंबर टी अच्छे आम उपर क्लिक करदे। तो तापर ये निजर आधार नंबर टी को आप टाइप करने को पड़ो। तो आम निज आधार नंबर टी टाइप करदे। तो आधार नंबर टी टाइप कर सारापर ये आप फास्ट नेम टी टाइप करने को पड़ो। तो तापर ये निज लास्ट नेम टी टाइप कर दिंतु। तो आम निज लास्ट नेम टी टाइप करदे। तो तापर आप देख पार्टी तले आपको निज रिलीजन लांगुएज मैंने ओडिया आपको शो कर। तो आप सब भल भाव चेक कर सब ठीक आसी ना। तो आप सिंपली तल को स्क्रॉल डाउन करके आसतु सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँ। तो तापर आपको ये इंटरफेस पलि आस। तो आप ये क्योंठू अप्लाई कर निज प्लेस टी टाइप कर दिंतु। तो आम ये क्योंकि अप्लाई करे तो सही निज प्लेस टी टाइप करद। तो निज ना टी आप शो कर तापर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँ। तो तापर ये आप निजर भोटर आई डी कार्ड नंबर ये निजर आधार नंबर शो कर। तो तापर तौक आसतु। तो तापर ये आप देखते डेट, आप प्लेस, आपण ना और आपण मोबाइल नंबर मैं शो कर। तो तापर सबमिट पर क्लिक करूँ। तो तापर आपण के गोटे रेफरेन्स नंबर शो कर। तो ये आप चाहिए गोटे जगह लिखि निंबा कपि करेंगे। तो तापर आप यही भाव में निज भोटर आई डी कार्ड टी आप लिंक करेंगे आधार कार्ड संग्रह। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।